मेरे इस हुजरे में मेरे लोगों से रजू करें या मुझसे रजू करें। मैं आप सबको सबका शुक्रगुजार हूं कि जो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया मेरा और आज मेरे हुजरे में तशरीफ लाए। आप आखिरी बात पश्तो में करूंगा, लेकिन एक बात सुन लें, हम कैंपेन कर रहे हैं, हम अमन पुरामन कैंपेन करेंगे, तहजीब के दायरे में रह के करेंगे, अपनी सिक्योरिटी हमारी मजबूरी है उसका ख्याल रखेंगे और आपका भी ख्याल रखेंगे। हम सब आपके साथ हैं। सुने, हम लकी मरवत को बताना चाहते हैं कि हम आपको क्या देंगे। सुने, नंबर एक, ये मेरा वादा है, सैकड़ों अफराद की कुर्बानी दी है मेरे इलाके ने, मेरे कबीले ने। मैं वादा करता हूं, हमेशा कत्ल को मैंने रोका है, सैकड़ों कत्ल लगारतगरी के दुश्मनियां खत्म कराई है, लेकिन आप मौका देंगे तो पूरे लकी मरवत से दुश्मनियों का खात्मा करेंगे। आप मौका देंगे इंशाल्लाह तो खान के ये सिपाही लकी मरवत में अमन आश्ती लाएंगे। हम अपना अमन रियासत को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने अमन की जिम्मेदारी सरकार या हुकूमत पे नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे लोग हैं, हमारा खून है, हमारे अपने हैं, तो लिहाजा जहां भी दुश्मनी की चिंगारी उठेगी, वादा है आपके साथ कि हम लबैक कहेंगे और सबसे पहले आपके पास आएंगे। नंबर दो, जमीयत उलमा इस्लाम ने 15 साल इस जिले पे हुकूमत की और अपने पीछे पसमानगी, अपने पीछे बदुनवानी, अपने पीछे लकी मरवत में टूटी फूटी सड़कें और गुनागू मसाइल छोड़े। पूरे जिले में एक पार्क भी नहीं है, खामोश हो जाए, पूरे जिले में कोई पार्क नहीं है, पूरे जिले में कहीं पे फुटपाथ का तस्वीर नहीं, पूरे जिले में न मेडिकल कॉलेज है, न नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। यहां के लोग मेहनती है, हमारा इलाका इस साइड पे ज्यादातर सेराई है, नवरंग की जानिब पे नेरी है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि लकी मरवत की खैरत, इसकी जुर्रत की मिसालें हर जगह दी जाती है। सुनाओ, हफीज जलंधरी ने एक शेर कहा था और मैं तुम्हें बताऊं, सारी जिंदगी मैंने अपने कौम से मोहब्बत की है। तुम लोगों को पता है मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा कबीला सारी जिंदगी अपने इलाके की खिदमत की है। हफीज जलंधरी ने एक बात कही थी और वो शेर लकी मरवत के लोगों पे सादिक आता है। उन्होंने कहा था कि नहीं इसमें फूल उगते हैं, नहीं इसमें घास उगती है, नहीं इसमें फूल उगते हैं, नहीं इसमें घास उगती है, मगर इस सरजमी को आसमां भी झुक के मिलते हैं। समझ आई कि नहीं आई?